हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिन बाद में शूट कर रही हूँ व्लॉग, तो हिजल करेगा हाय। हाय कर दो, हाय कर दो। अच्छा, तो हिजल की जो पार्टी ड्रेस है उससे तो आपको पता चल ही गया होगा, कल है 31st और कल है 1 जनवरी। तो हम लोग ने सोचा हेजल के पापा हमें पार्टी के लिए लेके जा रहे हैं, बट ये हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान दिला के लेके आएंगे। और जो न्यू फ्लैट है उस फ्लैट में इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए था। तो चलो गाइस, कोई बात नहीं, पार्टी नहीं तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ एंजॉय करेंगे। देखो जीतू भाई, सवारी गाड़ी यहां स्कॉर्पियो यहां सेल आउट करी थी, कर भी थी और उसको दे दी ना, डायरेक्ट बस जाओगे। तो चलो, ये तो गई अपने पापा के पास और हम लोग थोड़ी सी करते हैं बातचीत। तो इन दिनों काफ़ी टाइम से मैं क्या ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता गाइज। और मम्मी की गई हुई हूँ तो बातों में कब दिन निकल जाता पता नहीं चलता। और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ वहाँ से, तो ऐसा कुछ मतलब खास कंटेंट मुझे दिखा नहीं हुआ। तो क्योंकि मेरे फैमिली को भी, पीआर वाली फैमिली को भी मतलब व्लॉगिंग वगैरह करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, या कैमरा के सामने आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मतलब वहाँ शूट नहीं करती हूँ। तो आज हेजल के पापा आए हम लोगों से मिलने, क्योंकि मैं अभी मेरी मम्मी वाले घर में रह रही हूँ, हेजल के पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो 2 दिन के लिए आए हुए हैं। तो आज तो 1 दिन हो गया और आज रात को रुकेंगे, फिर वो कल तक चले जाएंगे। तो हम लोग आए हैं वैशाली में, A to Z दिखाती हूँ आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। क्योंकि जो कि मैंने आपको बताया था, हमारे वैशाली वाले फ्लैट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का लगाना, जैसे AC वैसे क्या क्या खरीदेंगे। और गाइस, आज हमारा फर्नीचर भी आ जाएगा, क्योंकि आज हेजल के पापा फ्री है तो सारा काम करवा के जाएंगे। तो AC फ्रीज जो भी है, तो कहाँ से अर्जुन? A to Z डिस्काउंट फैक्ट्री लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अच्छा गाइस, ये रहा A to Z डिस्काउंट फैक्ट्री करके जो है ऊपर। तो चलो देखते, पर्स वर्स भी दिख रहा है मुझे, तो लड़कियों का भी कोई सिस्टम तो होगा ही, देखते कुछ पसंद आ गया। डिस्काउंट है ना गाइस, डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट तो होगा इसमें। चलो मैं उतरती हूँ, पार्किंग की सबसे बढ़िया रहेगा। ले, हम पहुंच चुके हैं A to Z। अच्छा, तो यहाँ ऊपर लिखा है, लेकिन बेसमेंट से भी शुरू होता है। आप इतना हंस क्यों रहे हो और इतना गुस्सा क्यों करते हो? आपकी मूड स्विंग्स इतने होते हैं, पता ही नहीं चलता है कब गुस्सा कर रहे हो और कब हंस रहे हो। देखो तो गाइज, मैंने क्या थोड़ा सा टाइम लगा लिया, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या कर रही थी। मैंने थोड़ी सी अपनी हेयर स्टाइल चेंज की थी, तो हेजल के पापा को क्या गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो चलो गाइस, थोड़ा सा मैं देखती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। क्या क्या लेना है हमें? टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, AC। तो गाइस, हम लोग ले रहे हैं, एक तो फ्रिज, एक ले रहे हैं AC, एक ले रहे हैं वॉशिंग मशीन और एक ले रहे हैं टीवी। चलो गाइस, पसंद करते हैं। ये वाली वॉशिंग मशीन फाइनल की है, जो कि ऑटोमेटिक है, क्योंकि हेजल के पापा को तो वो पसंद आई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर ये वाली पसंद आई थी वर्लपूल की, बट मैंने बोला कि ये देखो इसमें थोड़ा सिस्टम अजीब ही है, जो भी रेंट वाले जो भी आएंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कि पहले तो वॉश होगा उसके बाद में ड्राई होगा, तो कभी कपड़े इधर निकालो, कभी इधर निकालो। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, कुछ पैसे तो एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक ही ले लो आप। तो फिर हमने फाइनल वही करी है, ऑटोमेटिक वाली। तो गैस, ये है 5 स्टार, देख सकते हो आप, बिजली भी कम लेगी और AC में ड्राई हो जाएगा, AC में धुल जाएगा। हेलो हेजल, मारो मारो, मना सिखाए, मारा मारा पछते तो निकल जाओ। तो गया, चलो मैं आपको विजिट करवा देती हूँ। तो इनके पास सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की ऑलमोस्ट मिल जाएगी, जैसे फ्रीज़र हो गया, हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, ओवन, गिटार वगैरह, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, आटा चक्की, टीवी वीवी, सब ऑलमोस्ट और बहुत ही चीप रेट में मिलेगी गाइज आपको। और देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे
तो मैं इसकी प्राइस दिखा देती हूँ आपको। तो ऑनलाइन और मार्केट प्राइस इसकी 19,000, लेकिन हमारे पड़ी 11,000 कुछ की। और सच में यहाँ पे एकदम हाफ रेट में आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलने वाला है गाइस आपको। तो चलो हम बात करते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस है इसका A2Z डिस्काउंट फैक्ट्री करके इसका नाम है शॉप का, और ये हमारे वैशाली की एकदम सर्कल के ऊपर ही है। ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर भी एक सेक्शन है, तो मैं वहाँ का भी विजिट कराती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ मुझे मेरा किचन का भी मिल गया, जैसे कांच के गिलास और जैसे कि स्टील के गिलास, बॉटल्स वगैरह, डियो, परफ्यूम, बॉडी लोशन वगैरह सब यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। नॉन स्टिक तवे, कढ़ाई वगैरह सब, इलेक्ट्रॉनिक ये जो कॉफ़ी मेकर है सब, कुकर वगैरह जो भी किचन में हमारा, जैसे चम्मच वगैरह, और एकदम चीप प्राइस में गाइस, एकदम चीप प्राइस में। जैसे कि चम्मच की जो प्राइस है वो 12,000 रुपये की मिलती है, तो यहाँ मुझे मिल रही है बहुत ही कम रेट में। हर टाइप के ग्लास, मतलब बहुत ही सुंदर कलेक्शन, आप विज़िट ज़रूर कीजिए। ये है हमारे जैसे कि घर में डेकोरेशन का सामान भी मिल जाएगा, तो आपको हर एक चीज़ ही एक ही स्टोर में मिल जाएगी, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा ज़्यादा। और ये देखिए चादर, बेडशीट वगैरह सब, और बहुत ही चीप प्राइस में गाइस, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी मतलब हाफ प्राइस में मिलेगा। तो विज़िट ज़रूर कीजिए हर एक चीज़। जैसे कि देखिए गॉगल, चश्मे, पर्स, लड़कियों का सारा सेक्शन, जूते वगैरह सब, चप्पल वगैरह, मतलब एक ही स्टोर में सारी चीज़ें। जैसे कि इसका नाम है A2Z, वैसे ही ये सारा सामान रखा है। आज का जो स्टॉक है वो सच में पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और हैंडबैग का भी, और ये जो ट्रॉली बैग है ये भी बहुत ही हाफ रेट में, एकदम चीप रेट में मिल रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने ये गर्ल सेशन, जिसमें हेयर रिमूवर और स्ट्रेटनर वगैरह जो भी है, ड्रायर वगैरह है, बिना देरी करे करवाते हैं बिल, क्योंकि हेजल के पापा नीचे कर रहे हैं वेट। मैंने उनको पता नहीं कि मैंने ये किसी और कस्टमर का है। तो मैंने लिया है बैग, जिसकी प्राइस मुझे पड़ी थी, मैं बता देती हूँ आपको, वैसे तो ये 4,000 का है, लेकिन भैया आपके डिस्काउंट कितने का पड़ा है? तो गाइस टैग तो इसका है 4,000, लेकिन ये मेरे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 1,000 का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास येलो कलेक्शन भी नहीं था। तो चलो भैया बिल कर दो इसका। तो शायद उन्होंने गाड़ी पार्किंग से हटा दी है, उन्हीं के पास जाती हूँ। और ये हमारी हेजल, देख सकते हो आप, हम लोग आए नेशा हेलो कुछ खाने पीने। तो यहाँ की जलेबी और गाजर का हलवा बहुत ही आसान होता है, और रश देख सकते हो आप, कितनी भयंकर भीड़ हो रही है। सो गाइस मैंने ऑर्डर किया है अभी केसर पिस्ता कुल्लड़ दूध, जो कि केसर का बना आता है। तो मैं खाने वाली हूँ दूध और जलेबी। अभी के बाद में मैंने सोचा क्यों ना कुछ तीखा हो जाए, लाइक छोला भटूरा, तो अब मैं खाऊंगी छोला भटूरा। बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का। अभी हो रहा है मेरा ऑर्डर रेडी, और बहुत ही लाइन और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई, देख सकते हो आज, क्योंकि संडे रह गया, रश ज़्यादा रहता है। लास्ट में मैं पीऊँगी पपीता शेक, बहुत टाइम हो गया मुझे शेक पिए हुए। तो फिर मैं चलो, लेकिन है तो ठंड, लेकिन ठीक है, कभी कभी पी लेना चाहिए। उसके बाद में मम्मा पापा तो चले गए थे, और इधर आ गए थे मेरे फ्रेंड्स और मेरा भाई। तो हम लोगों ने करी न्यू ईयर की पार्टी। गुड मॉर्निंग, इट्स अ नेक्स्ट डे, और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए वर्ष की। और कल से मेरा तो गला, जब से कल मैंने पपीता शेक पिया था, तब से मेरा गला इतना भयंकर जाम हो गया कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तब भयंकर कोल्ड हो रहा है ना, मतलब आवाज़ में ऐसे भारी भारी लग रही है, खुद की आवाज़ खुद को ही समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ, और ऐसा बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, तो आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना। तो आज मैं उठ गई हूँ सुबह जल्दी से, क्योंकि आज नया साल है। तो सभी कहते हैं कि नए साल में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, पुराने काम जो भी हमने गलती करी है उसको सुधारना चाहिए। तो मैं आज जल्दी उठी हूँ 6 बजे, अब मैं लूँगी फटाक से शावर, क्योंकि मुझे जाना है जोशा वाले फ्लैट में, और सारा फर्नीचर हमारा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑलमोस्ट आ गया, फ्रीज लिए हमने और वॉशिंग मशीन लिए, एसी अभी हमने नहीं लिए, क्योंकि स्टॉक मतलब 2-3 ही वहाँ पे था, स्टॉक 7-8 दिन में आता है, तो उन्होंने बोला कि 7-8 दिन में वापस स्टॉक आएगा, तो एक बार आप और देख लेना। तो एसी और टीवी हम जब भी न्यू स्टॉक आता है उनका 7-8 दिन में तब लेंगे, लेकिन मैं व्लॉग के ज़रिए आपको वो भी शेयर कर दूँगी। और रही बात फर्नीचर की, तो वो कल रात को आ गया था, तो कल रात को मैं 12 बजे तक वहीं थी। तो चलो गाइस बिना देर के मैं लेती हूँ शावर, और क्योंकि मुझे वहाँ जाना है और सेट वगैरह भी करना है, और पापा को कंडे फाटक छोड़ के ही।
क्योंकि पापा का यू नो कल छुट्टी थी, क्योंकि कल संडे था और आज पापा सुबह मतलब सुबह जल्दी निकल जाते हैं, जब भी संडे होता है तो नेक्स्ट डे मंडे को सुबह 5 बजे ही निकल जाते हैं घर से, क्योंकि 5 बजे की उनकी बस होती है 5:30 कुछ करके, तो वो निकल जाते हैं अपना अजमेर के लिए। तो पापा वगैरह निकल गए हैं, मम्मी वगैरह उठे हैं, उठ के वो झाड़ू वगैरह कर रहे हैं और मैं लूँगी शावर, क्योंकि मुझे डेली रूटीन का काम तो करना नहीं है, क्योंकि पीके अपने खुद के ही मज़े होते हैं, किसी को भी नहीं करना होता काम, काम आम से छुट्टी मिलती है पीहर में। तो चलो गाइज अब चलते हैं शावर लेने और ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ये एंड करूँगी तभी मैं नेक्स्ट व्लॉग लेके आ पाऊँगी। और आज का व्लॉग कैसा, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और मैं अब हो सका तो डेली आपके लिए व्लॉग लेके आऊँगी। ध्यान रखिए और खूब इंजॉय कीजिए और अगैन हैप्पी न्यू ईयर, बाय, हैव अ गुड डे, बाय।